हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ न्यू नोटिफिकेशन जो एफसीआई ने लॉन्च किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें अभी जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज जो निकली हैं असिस्टेंट ग्रेड पे सेकेंड, इसका मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ कि आपको लास्ट डेट कब है फॉर्म की और कब अप्लाई हो रहा है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ को मैं पूरा रीड आउट कर चुका हूँ, तो इसलिए इसके अंदर जो एक डिफरेंट पैटर्न लिया गया है, जिसके अंदर फॉर्म फिलअप करते हुए जो फोटो है, सिग्नेचर है, साइंस हैं, किस हिसाब की इन्होंने मांगी है, तो इनके लिए आपको इस वीडियो को जरूर कहीं से भी आप स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि आप अदरवाइज़ जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया और काम ख़त्म, ऐसा इस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है। तो आपको इसके लिए कंप्लीट वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट फॉलो किया गया है रूल को, तो मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 5-1 मिनट में आपको कंप्लीट, या 5 या नहीं तो 8-10 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ एक ही जोन का बताने वाला हूँ, जैसे कि जोन वाइज आपको नॉर्थ जोन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपको नॉर्थ जोन में बताया जा रहा है, यानी कि नॉर्थ में। तो नॉर्थ जोन के अंदर जो सीटें निकली हैं, जेई सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स निकली हैं, जो पोस्ट कोड ए है आपका, ये पे स्केल है 28 ईयर की मैक्सिमम एज। पे स्केल देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एज है जो मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, जिसमें SC ST और जनरल OBC के अकॉर्डिंग जो सीटें निकली हैं वो ये हैं। जनरल की सीट 26 हैं, और EWS, देखिए EWS जो कि 10% रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका आता है सेकंड जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल के अंदर जो सीट्स हैं आपकी, टोटल सीट्स हैं 30। और उसके बाद आपका आता है कि हिंदी टाइपिंग जो भी अलग अलग स्टेनो ग्रेड के लिए हैं, या फिर जो 10th ग्रेजुएशन या अकाउंटेंट की भी हैं, इसमें अकाउंटेंट की सीट्स हैं ये रही, जो 287 हैं, तो इसके अंदर भी सीट्स निकली हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं टेक्निकल जो आपकी नॉर्थ जोन के अंदर, अगर आप देखें टोटल सीट्स हैं जो लगभग 2000 के अराउंड हैं। उसके बाद आपका आता है साउथ जोन आता है, साउथ जोन के अंदर भी सीट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, जो कि लगभग 540 हैं। फिर ईस्ट जोन आता है आपका, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, जितने भी ऑल जोन के अंदर ये वैकेंसीज जो निकली है, मैं आपको इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 44 पेजेस हैं, आप इसको हटा दीजिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, ब्लाइंडनेस वगैरह ये आपको फिजिकल जितना भी हर एक डिपार्टमेंट में होता है वो सेम है, इसमें कोई स्पेशल इन्होंने वर्ड यूज़ नहीं करा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सिर्फ जो है एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं और एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये टू मोन इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं, जो कि आप सिर्फ एक जोन यूज़ करेंगे और जोन के बाद आपको सिर्फ एक ही पोस्ट कोड जो है यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा, और कोई भी हार्ड कॉपी आपको किसी भी वेबसाइट पे सेंड नहीं करनी है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन जो भी हर डिपार्टमेंट में होता है वो सेम है, इसके अंदर कोई अलग से इन्होंने कोई रूल नहीं किया। उसके बाद आपका आता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेस 1 फेस 2 पे होगा। फेस 1 के लिए आपका जो सिलेबस क्या है वो आप देख लीजिए, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 35 मार्क्स, 35 मार्क्स की होगी, और नमेरिकल एप्टीट्यूड ये होगा 35 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 100 100 मार्क्स के होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आता है कि टाइम का डिफरेंस आता है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर टाइमिंग क्या है, आपको 30 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के 20 मिनट्स में करने होंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन है वो भी आपको 20 मिनट में करने होंगे। यहाँ पे आपको मिलते हैं केवल और केवल 100 क्वेश्चन ऑल ओवर एंड 60 मिनट के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको ये मत लेके चलिएगा कि आपका क्वेश्चन है जो ऑल ओवर 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको सेपरेट टाइमिंग दिया जाएगा, क्वेश्चन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग दिया जाएगा। इंग्लिश की टाइमिंग आपकी 20 मिनट सेपरेट दी जाएगी, रीजनिंग की टाइमिंग 20 मिनट सेपरेट दी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की टाइमिंग सेपरेट दी जाएगी।
अलग अलग टाइमिंग होगी आपके, 20 मिनट ख़त्म होते ही इंग्लिश फिनिश, इंग्लिश आपको दोबारा से अटैम्प्ट करने को नहीं मिलेगी। उसके बाद 20 मिनट फिनिश रीजनिंग फिनिश, 20 मिनट फिनिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड फिनिश, ऑल ओवर आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी को बनाना होगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/4 की होगी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है जो वो क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा। ये मैंने आपको PDF में मैंने देखा था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसके बाद आपका आता है कि आपका जनरल, ये भी ये लैंग्वेज है जो पेपर 1 का ऐसे होगा। उसके अंदर आपको उसके बाद क्या करना है कि पेपर 2 होगा जो कि 60 मल्टीप्लाई 24 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगा, जो केवल सिविल के लिए सिविल का आएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का आएगा। किसी भी मतलब जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस फील्ड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। उसके बाद आपका आता है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस के आपको सब्जेक्ट जो भी हैं उतने ही हैं, लगभग एक आधा इधर उधर होगा, तो उसमें आप देख लेना। लेकिन आपको मैं ये वीडियो जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके फ्रेंड बाद फ्रेंड ये देखिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो भी है आप सिर्फ, और उसके बाद सेकंड 1 लिखा हुआ है, एक ही जोन आपको ये मैं बता दिया है। आपको जो है इसका एडमिट कार्ड है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर आपका, इनको 15 दिन पहले एग्ज़ाम से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले आपको इसका एडमिट कार्ड आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपको इनके सेंटर्स हैं जो भी जहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आपका फेस 1 के लिए और फेस 2 के लिए ये सेंटर दिए गए हैं, ये आपको वहाँ पे चॉइस मिल ही जाएगी फॉर्म फिलअप करते हुए। आई थिंक वैसे अभी इनकी फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद आपका जो है इसमें आता है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ रहा है आपका इम्पोर्टेंट पेमेंट फीस है जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपका जो 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है फोटोग्राफ। देखिए जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो फोटोग्राफ सिग्नेचर, देखिए विद ब्लैक पेन, ओनली विद ब्लैक पेन के साथ आपको साइन करने हैं। आप मोस्टली हमारे पास जो पहले पढ़े होते हैं कंप्यूटर के अंदर ब्लू पेन से होते हैं, तो हम डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आपका क्या है, अभी भी ऐसे स्किप मत कीजिएगा, अभी एक लाइन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुकी है। उसके बाद आपका आता है थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लू या वेट ब्लैक जो भी होता है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हैंड रिटन, यानी कि एक हैंड रिटन नोट्स आपको अपलोड करना होगा जो कि आपका डिक्लेरेशन का प्रूफ होगा। यहाँ पे लिखा है ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक के साथ आपने नीचे लिखना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी को आपको टेक्स्ट करके वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आएगा सिग्नेचर जो है कैपिटल में अपलोड नहीं करने। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, ये वाली लाइन है जो आपको डिक्लेरेशन में डालनी है, आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट डैश 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 डैश, ये आपको जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन में डालना है। ये आप इस वीडियो को यहाँ पर आकर स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी आती है फीस जो है सबमिट करने की, जो डेट है ये दी हुई है, मार्च तक चलेगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस अमाउंट जो है 500 रुपीज़ लगेगा जर्नल का, ऑनलाइन सबमिट हो सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर कुछ भी आपका थंब इम्प्रेशन या किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका साइज है जो हर फॉर्म सबमिट में सेम ही होता है लगभग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका जो है ये साइन दिए हुए हैं, साइज़ दिए हुए हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जितना साइज़ होता है एक्चुअल में आप वही यूज़ करेंगे। ये आपके फॉर्म की लास्ट डेट है जो 25 मार्च है, तो आप प्लीज़ फ्रेंड इससे जल्दी से जल्दी, आपको परसों से फॉर्म सबमिट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। ये आपके फॉर्म है उसके लिए, ये इसके बाद फिनिश हो चुकी है वीडियो, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बाद। ओके फ्रेंड्स।
एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर FCI एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एंड प्लीज़ वॉच एंड शेयर इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी को फॉर्म फिलअप करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वहाँ पे डिक्लेरेशन डालना है, कौन सी लाइन डिक्लेरेशन में डालनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है ताकि आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।